ये खबर जो हम आपको सुना रहे हैं, इसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। महज 22 साल के एक युवक पर भैंस से दुष्कर्म करने का आरोप है। इस घटना से पुलिस के साथ ही आसपास के लोग भी हैरान हैं। भैंस मालिक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जांच में सभी आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी युवक को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरान कर देने वाली बात, ये घटना मेरठ के जानी थाना की है। भैंस मालिक ने थाने जाकर शिकायत देते हुए गांव के रहने वाले युवक पर भैंस के साथ रेप का आरोप लगाया। उसने कहा कि युवक को भैंस के साथ दुष्कर्म करते हुए देखा गया था। शिकायत ये भी है कि जब उनके पड़ोसियों ने युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने मारपीट और गाली देना शुरू कर दिया। जानी थाना के इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। उसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि भैंस मालिक की शिकायत के बाद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पड़ोस के 5 लोग दुष्कर्म मामले में एक गवाह भी है, उन्हीं के बयान पर यह केस दर्ज किया जाएगा। वहीं आरोपी ने शराब के नशे में भैंस के साथ दुष्कर्म की बात कबूल कर ली। उसने ये भी कहा कि कई बार वह भैंस के साथ इस तरह की अमानवीय हरकत कर चुका है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैंस का मेडिकल नहीं कराया जाएगा, लोगों की गवाही के आधार पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पशु अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। ये घटना एक तरह से पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली है।